हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा दीपक भाई का, जिन्होंने मुझे प्यारी सी शर्ट गिफ्ट की थी। अगर आपको ऑर्डर करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मेंशन कर दूँगा। जय माता दी। हमारी जो सफर की शुरुआत होती है मेट्रो से होती है न्यू दिल्ली तक, और आगे देखते क्या क्या होता है। हाँ भाई स्टार्ट। अबे देवदत्त कैसा लग रहा है भैया? जैसा कि आप देख रहे हैं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत ही प्यारा सजा रखा था। यहाँ से हमने ट्रेन बुक की थी, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेन के अंदर गए, एंटर करें। जैसे कि हमारी जो ट्रेन थी 8:50 की हमारी ट्रेन थी, सफ़र बहुत अच्छा था, मज़ा आया सफ़र के अंदर। ट्रेन का सफ़र ही बहुत रोमांचक होता है, और दोस्तों के साथ सफ़र अलग होता है, फैमिली के साथ भी अच्छा होता है। उसके बाद हम उतरे थे 8:15 पे, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, और भी आपको मज़ा आएगा देखने में। तो आप हम ना ट्रेन से उतर चुके हैं। यस। और कैसा सफर था भाई? मज़ा आया? मजा आया भाई, कोई दिक्कत ये नहीं। बीच का भाई बहुत सोते हुए गया था। देख रहे हैं लाइन ट्रेन से उतरने का लाइन, सारे भाई लाइन में लगते हुए, और हमारे एक भाई देखो पूरा फायदा उठाते हुए हमारा, और वहाँ पे बैठे आराम से। लाइन कहाँ तक जा रही है? ये लाइन देखिए, हमें वहाँ तक जाना है अभी। कहाँ तक जाना है? लगेज हमारा, लाइन हो रही, वो संघर्ष करना है। अगर आपके वैक्सीन की डबल डोज लगी है तो कोई रोक दाम नहीं किया जाएगा, वहाँ पे दिखाइए और जाइए। अगर आपके सिंगल डोज है या फिर आरटीपीसीआर आपने करा रखी है, तब भी आपको कोविड टेस्ट कराना वहाँ पे मैंडेटरी है। हम वहाँ से आ चुके हैं और डबल डोज की हमारी। तो यार एक चीज़ है, अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो डबल डोज होनी चाहिए आपकी। अगर सिंगल डोज होगी तो आपको वहाँ पे टेस्ट के लिए जरूर भेजेंगे। तो हमारा तो हमारा ना डबल डोज थी। तो राहुल कोई टेस्ट होते ना, नहीं हुआ ना, तो यार सेफली आ गए। तो यार डोज लगा लो, ठीक है, दोनों डोज लगा लो, वैष्णो देवी आना तो सेफली रास्ता है। और जय माता दी। अब यहाँ से हम एंटर करेंगे अंदर, जिसमें हमारी टिकट विकट सब चेक होगी, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन जो करवाया था ट्रेन से। तो यहाँ पे सब चेकिंग हो रही है, देखिए अब अपने साथ रख लेना। चुके हैं। हाँ भाई जय। और हम बाहर निकलने की तैयारी करेंगे यहाँ से बैग रखते हुए। तो यहाँ पे बैग रखेंगे। जैसे कि हम रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं, और देखिए कितना प्यारा नज़ारा है भगवान के यहाँ का, माता के यहाँ का। और हम ऑटो करते हैं, ऑटो या टैक्सी आप कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे 4 जनों के जो लगे थे 110 रुपये लगे थे, हम सीधा वहाँ से रूम की तरफ गए थे, 27 रुपये एक पर्सन के लगे थे। जैसे ही आप बाहर आते हो तो आप यहाँ पे आइए, ऑटो टैक्सी स्टैंड है बाहर उतरते ही, और यहाँ से आप ले सकते हो। और यहाँ से आप जहाँ पे आपको रूम करना है वहाँ तक ही आपको पहुँचा देगा। जैसे कि आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इसमें आपको एक पर्ची मिलती है, और वो पर्ची आपको भवन में जाके चेक करानी पड़ती है, देन उसके बाद आप एंटर कर पाते हो। इससे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है वहाँ पे। दोस्तों आप ये जो है श्री माता वैष्णो देवी श्री बोर्ड को मत भूल जाना, यात्रा रजिस्ट्रेशन एक्सेस कार्ड है आपका, ठीक है, ये जरूर कराना है। आधार कार्ड मांगा था, उससे आईडी मांगी? नहीं मांगी भाई। तो ठीक है, मतलब कार्ड मिल गया ना? हाँ, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया है ना। कोई पैसे लगे नहीं लगे? आ जाओ बस, कोई दिक्कत नहीं है ना, और कोई पैसे भी नहीं लगे ना? ठीक है ठीक है। हमने होटल सिटी सेंटर के यहाँ पे जाके रूम लिया था, जिसमें 600 रुपये का एक रूम मिला था 4 पर्सन का। ना होटल सिटी सेंटर में ये भाई हमारे हैं, और मैं मोबाइल नंबर और जगह का नाम सबको मेंशन कर दूंगा। तो भाई है, भाई क्या रेट रहता है आपके होटल का यहाँ पे? 600 रुपये से स्टार्ट है ना? 600 रुपये है, और बहुत बढ़िया है, फैसिलिटी सबसे बढ़िया है, पिक एंड ड्रॉप है, मतलब छोड़ के भी जाएंगे और आपको वहाँ से लेके भी आएंगे। तो यार हमें भी यहाँ पे फंस गए थे, लेकिन भाई ने नंबर उठाया और जाम से गाड़ी लेकर आया और हमें यहाँ पे छोड़ा है, तो बहुत बढ़िया है, थैंक यू भैया। चलो हमने रूम कर लिया है, अब हैं, अब रिलैक्स करेंगे। बाढ़ गंगा की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो हमने जो टॉपिक है वो 6 घंटे तक वैलिड रहता है। तो अभी हम बाढ़ गंगा की तैयारी करेंगे, वहाँ पर जाएंगे नहाएंगे और थोड़े से नए नए बोल के दिखाएंगे आपको। पे हम आ चुके हैं लाइन में खड़े, फ्रिस्किंग पॉइंट के यहाँ पर है, जहाँ पे हमने जो ये टोकन लिया था वैष्णो देवी का नीचे से, तो इसको चेक कराएंगे और फिर हम अंदर जाके एंटर करेंगे। एंटर करें वहाँ से, हमारा स्कैन हुआ था परवीन, स्कैन करके बाद एंट्री, स्कैन करने के बाद एंट्री। बहुत रूल चेंज हो चुके पहले से, सही है, बहुत रूल चेंज हो चुके हैं, लेकिन आप घबरा मत, आओ यार, जय माता दी। और हम स्टार्ट करते हैं हमारा अर्थ कुआरे का रास्ता। तो अब हम आगे मार्केट की ओर प्रस्थान करते हैं, और आप देखिए मार्केट के यहाँ से आप सामान भी खरीद सकते हैं। और आगे हम बाढ़ गंगा की ओर जाते हैं। बाढ़ गंगा की कहानी कुछ ऐसे है, हनुमान जी को जब प्यास लगती है तो माता से कहते हैं, माता मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो
तो माता धरती पर बाढ़ मारती है, देन वहाँ से बाढ़ गंगा की उत्पत्ति होती है। तो हनुमान जी अपनी प्यास वहाँ से बुझाते हैं और माता अपनी केश वहाँ से धोती है, तो वहाँ से बाढ़ गंगा की उत्पत्ति होती है। और जैसे कि आप लोग बाग यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं, तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप वहाँ पे साबुन वाबुन से जो है वहाँ पे जाके नहाइए मत, नॉर्मल नहा सकते यार, आप ऐसे बाढ़ गंगा को गंदा करते हैं, तो ये चीज़ मत कीजिए, साफ सुथरा रखिए। थैंक यू। जैसे नहा के निकल चुके हैं, हमारे कपड़े चेंज हो चुके हैं, कपड़े देखिए आप चेंज हो चुके हैं, अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से अच्छे लग रहे हो। और हमारा भाई देखो, देखकर मज़ा आ गया भाई। चलो भाई, भक्त लोग तैयार होने वाले हैं और ये एक दूसरे को तैयार कर रहे हैं। हाँ भाई, आपको कौन तैयार करेगा? जय माता दी। वैष्णो देवी की चढ़ाई 13 किलोमीटर की है। चलो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मजा आ रहा है? बहुत। हाँ भाई देवदत्त, मैं तो पसीना अभी 2 किलोमीटर तुम्हारे पसीना आ गए है ना, आधे रास्ते पहुंचे नहीं तुम। और सब वाइट वाइट हो गया है, कैसा लग रहा राहुल? एक नंबर, जन्नत। माता वैष्णो देवी के द्वार पे श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी सुविधा कर दी गई है, कार बैटरी की, जिसमें सुबह 7:30 बजे से लेके 10 बजे तक इसका काउंटर खुला रहता है। और अगर आप अर्थकुंवारी से भवन जा रहे हैं तो उसमें आपको 354 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप भवन से वापस अर्थकुंवारी आ रहे हैं तो 236 रुपये एक पर्सन के देने पड़ेंगे। भवन का रास्ता तो आपका यहाँ जा रहा है और अर्थकुंवारी का रास्ता यहाँ जा रहा है, जहाँ पे हमें जाना है यहाँ पे। कंफ्यूज मत होना, और वो सीधा जा रहा है भवन का रास्ता। वाह देखो, आप आओगे तो आपको कुछ न्यू मिलेगा, न्यू रास्ता, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बनाया है। आ चुके हैं अर्धकुंवारी के यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा शानदार दृश्य। जब तक इंतजार करें, चाहे दर्शन खाली आओ पहले बार। अगर आप अर्थकुंवारी गुफा के गर्भ जोन के दर्शन करना चाहते हैं तो आप टोकन लेके भवन की ओर जाइए, दर्शन कीजिए, भैरव बाबा की चढ़ाई के बाद सीधे नीचे आइए। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको जो है टोकन का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है, खाली आपसे नाम और पूछा जाता है कि आप कितने पर्सन हैं। तो आप, हो सकता है कि इसमें 1 या 2 दिन लगे, ज़्यादा दिन भी लगे, लेकिन आप टोकन लेके जरूर जाइए भवन की ओर। वैष्णो देवी जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक तो मैंने आपको दिखाया था बैटरी वाली जहाँ पे गाड़ी जाती है, वो एकदम सीधा रास्ता होता है, ज़्यादा मुश्किल चढ़ाई नहीं होती। लेकिन आज भी कुछ लोग अर्थकुंवारी के यहाँ से जो रास्ता जाता है पुराना रास्ता, वही प्रीफर करते हैं जाने के लिए, और अच्छा रास्ता है, वहीं से जाइए, चढ़ाई भी अच्छी होती है। जैसे कि आप देख रहे वीडियो में प्रसाद भवन है, यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है, जो कि आप हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इसका जिक्र मैं अभी आपके सामने नहीं करूँगा। अभी जो है हम चेक पोस्ट के यहाँ से आए थे, पुलिस चेक पोस्ट मिली थी हमें यहाँ पे, और वहाँ से 3 किलोमीटर का भी सफ़र हमारा बाकी है माता के भवन के यहाँ पे। तो अगर आप आते हो तो आपको पुलिस चेक पोस्ट का सामना करना पड़ेगा, घबराना मत, अपने सामान चेक करा लेना, नॉर्मल है। जय माता दी। देखो दोस्तों, पहले ना भू संकलन हुआ था, थोड़े से ना पत्थर वत्थर टूटे हुए थे, ये देखिए आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, आगे वाले, पीछे वाले, मेरे दोस्त, बोलते जाओ, अरे रुकना नहीं चाहिए, जय माता दी। जैसे कि अब हम आ गए हैं माता के भवन के यहाँ पे, और जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है माता का भवन कितना प्यारा सजाया हुआ है रोशनी के साथ, तो आगे जो है हम सफ़र करते हैं माता के यहाँ का, और जय माता दी बोलते हैं। तो हम अब, आप सोच रहे हो हम बीच में कहाँ छूट गए थे, देखो हमारा मोबाइल वहाँ पे जमा हो गया था, क्योंकि अगर आप आओगे तो पहले आपको मोबाइल सबमिट करना पड़ेगा, सारा सामान जूते से लेता है पर्स पैसा सब कुछ, सामान लेदर का सामान सब कुछ आपको सबमिट करना पैसा पड़ेगा, जेब में। हाँ तो आप भूल जाओ कि आप वहाँ पे मोबाइल जाके सेल्फी ले लोगे, फोटो खींच लोगे, और दर्शन हो गए, खाना हमने खा लिया, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए आराम से, ठीक है।
और देवदत्त भाई कुछ बोलना चाहोगे आप? भाई बताइए भाई, मजा आ रहा है, दिक्कत ना, पैर दर्शन करने आते हो आप सभी लोगों को हमारे स्ट्रेंजेंट फैमिली के द्वारा नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।